हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप देख रहे हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का लेक्चर सीरीज, जिसमें ये दूसरा लेक्चर है। और आज आप डिफरेंस नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में डिफरेंस जानेंगे। पहला जान लीजिए डिफरेंस, मेजरमेंट आर इनडायरेक्ट फॉर्म। नॉन डिस्ट्रक्टिव में इनडायरेक्ट फॉर्म में मेजरमेंट किया जाता है, इसमें डायरेक्ट फॉर्म में किया जाता है, तोड़फोड़ किया जाता है, इसमें तोड़फोड़ नहीं किया जाता है। और सेकेंड, दूसरा जो है मेजरमेंट, जो है मेजरमेंट आर क्वालिटेटिव, इसमें क्वांटिटिव होता है, इसमें क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस कराई जाती है। क्वालिटेटिव होता है मेजरमेंट, इसमें क्वांटिटिव होता है। और ये राइट साइड वाला डिस्ट्रक्टिव चल रहा है, ये बात याद रखना। एंड तीसरा वाला है वर्क पीस नॉट डैमेज ड्यूरिंग टेस्टिंग। टेस्टिंग के दौरान यहाँ पे वर्क पीस डैमेज नहीं होता है, और जबकि इसमें जो है डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में डैमेज हो जाता है। ठीक है, और इसमें 100% टेस्टिंग पॉसिबल होता है फोर्थ, और इसमें नहीं, 100% टेस्टिंग पॉसिबल नहीं होता होता है। पांचवा जो है वर्क पीस कैन बी रीचेज रियूजेबल। हाँ, इसमें वर्क पीस जो होता है इसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, क्योंकि टूटता नहीं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में। और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या होता है, टूट तोड़ फोड़ होता है तो टूट जाता है, इसको रीयूज हम नहीं कर सकते हैं, बेकार हो जाता है। लो स्किल्ड वर्कर ऑपरेट कैन ऑपरेट, इसमें हाई स्किल्ड। देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर एक बना बनाया आपको सिस्टम दे दिया जाए, बोल दिया जाए कि यहाँ पे आप देखते रहो, कुछ करना नहीं है, आपको थोड़ा बहुत बता दिया जाए बस कि यहाँ पे स्विच दबा देना है, यहाँ पे बटन दबा देना है और ये मशीन चलती रहेगी, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा स्किल डेवलप कराने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे ही नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती है, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा स्किल डेवलप करने की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में कहाँ से किस एंगल से तोड़ना है, कहाँ पे ज़्यादा लोड लगाना है, सारी चीज़ें अच्छे से एक अच्छी हाई क्वालिटी की स्किल डेवलप करानी पड़ेगी ऑपरेटर के अंदर, तब वो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कर पाएगा। इसलिए इसमें जो है हाई स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। और अगला मेथड टू, इसमें कौन कौन सा मेथड है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में, जिसके द्वारा हम चेक करते हैं, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं, तो इसमें ईडी करंट हो गया, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग हो गया, पेनिट्रेंट टेस्टिंग हो गया, इसी तरह से और भी हैं, रेडियोग्राफी टेस्टिंग है और मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और इसमें क्या है, टेंसाइल टेस्टिंग है, फटीग टेस्टिंग है, क्रीप टेस्टिंग है, इम्पैक्ट टेस्टिंग है, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रक्टिव में आती हैं। थैंक यू, वीडियो को लास्ट तक देखिए, और आगे आने वाला वीडियो इसी पे सीरीज आप चले जाइए, वीडियो के वहाँ पे जो जहाँ पे दिखता है एक साथ, वहाँ पे पूरा मिल जाएगा आपको।